अगर आज चांद पर लोग होते तो उनको चंद्रमा के आसमान में एक चमकती चीज अपनी ओर आती हुई दिखाई देती, क्योंकि इसरो का चंद्रयान 3 चंद्रमा के इलाके में पहुंच गया है और जैसे जैसे वो चांद के करीब जा रहा है एक एक करके पृथ्वी पर मैसेज भी भेज रहा है। पर दोस्तों, चांद पर अगर लोग होते तो उन्हें आज चंद्रमा के आसमान में चंद्रयान 3 तो आता हुआ दिखता, लेकिन उसके पीछे रशिया का लूनर 25 भी फास्ट गति से आता हुआ दिखता। जी हाँ दोस्तों, आज चंद्रमा के साउथ पोल को जीतने के लिए न सिर्फ चंद्रयान 3 बल्कि रशिया का लूनर 25 मिशन भी वहां पहुंच रहा है और हमसे पहले पहुंचने का दावा कर रहा है। अब रशिया के लूनर की जानकारी और उसकी अपडेट्स वीडियो में बाद में बताते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 ने हमें क्या क्या मैसेजेस भेजे हैं। तो सबसे पहला मैसेज है ये तस्वीर। ये तस्वीर अब तक तो आपने देख ही ली होगी, ये चंद्रयान ने चांद की ऑर्बिट से पहली तस्वीर भेजी है और इस पल के उत्साह को सभी भारतवासी महसूस कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही इसरो ने बताया कि चंद्रयान कहां तक पहुंचा है और अभी क्या कर रहा है। ये मैसेज सबसे पहले इसरो को चंद्रयान 3 की तरफ से मिला था। मैसेज था, हे धरतीवासियों, मैं चांद की कक्षा में पहुंच चुका हूँ। और वहां से चंद्रयान 3 ने एक संदेश और भेजा, जो थी ये तस्वीर जहां पे चांद के गड्ढों से पृथ्वी दिखाई दे रही थी। और इसके बाद एक और मैसेज आता है जब चंद्रयान 3 कहता है कि वो चांद से और कितना करीब पहुंच गया है। अभी लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में नीचे उतरने की एक और प्रक्रिया से गुजरा। सिंपल भाषा में इसे ऐसे समझिए कि वो चांद पर नीचे उतरने से पहले लिए जाने वाले छोटे छोटे ब्रेक्स है। जी हाँ, फिलहाल चंद्रयान 3 छोटे छोटे ब्रेक ले रहा है और अपनी स्पीड को लगातार धीमा करता जा रहा है। 14 जुलाई को पृथ्वी से निकला ये यान 5 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंच गया था। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से बहुत नजदीक पहुंच चुका है और अब चंद्रयान 3 की अगली प्रतिक्रिया 14 अगस्त साल 2023 को करीब 11:30 से 12:30 दोपहर तक हमें मिल जाएगी, जिसमें चंद्रयान 3 हमें फर्दर प्रोग्रेस क्या हुई है वो अपडेट करेगा। और आगे इसके बाद चंद्रयान को चंद्रमा के और करीब लाने के लिए 2-3 और प्रक्रियाएं की जाएगी और ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को चंद्रयान 3 को सतह से 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा देगी। और इसके बाद लैंडर और रोवर वाला लैंडिंग मॉड्यूलर अपनी आगे की प्रोसेस में प्रोपल्शन से अलग हो जाएगा। इसके बाद अपनी गति और धीमी करके चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल के इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 ने यह भी बताया कि वो बहुत ही अच्छी हालत में है। दोस्तों, इस बार अगर चांद पर उतरने से पहले इंजन अगर फ्लॉप भी हो जाता है फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी, क्योंकि इस बार इसरो ने पुख्ता तैयारियां की है। पर दोस्तों, तैयारियां तो वहां रशिया ने भी कर ली है चांद पर हमसे पहले उतरने की। रशिया हमारा मित्र देश है, लेकिन हम जब चंद्रमा के साउथ पोल में दुनिया में पहली बार हमारा रोवर लैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वक्त साउथ पोल में ही रूस ने हमसे पहले जाने की सोच ली है। इसलिए दोस्तों, हमें रूस का मिशन और उसकी मंशा भी जान लेनी चाहिए, क्योंकि रूस निकल पड़ा है अपनी लूना लेकर चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ने के लिए। अब दोस्तों, इस लूना का नाम सुनकर इसे हल्के में मत लेना। द लूना प्रोग्राम रशिया का लूनर एक्सप्लोरेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम है, या यूं कहिए कि था। रशिया ने ऐसे बहुत सारे लूना प्रोग्राम स्पेस में और चांद पर भेजे थे, जिसमें सबसे पहला 1959 में और सबसे आखिरी 1976 में भेजा था। अब 1976 के बाद रशिया ने मून पर लूना प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया था। इसके बाद रशिया की मून पर जाने की या मून पर कोई भी खोजबीन करने की कोई खास इच्छा नहीं थी। लेकिन भाइयों, जब हम मून पर पहुंच रहे हैं, उसी वक्त रशिया को लूना 25 लॉन्च करने की सूझी, क्योंकि दोस्तों इस बार इंडिया चांद की एक अनक्लेम्ड जगह जिसे साउथ पोल कहते हैं वहां पर पहली बार जा रहा है। अब ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह पर इंडिया कैसे पहले जा रहा है, ये सोचकर रशिया को भी साउथ पोल में इंटरेस्ट जगा और उसने साउथ पोल में जाने की सोच ली। और ना सिर्फ वहां जाने की सोची, पर हमसे पहले जाने की सोची। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि हम तो बहुत पहले निकल गए और रशिया तो बस बीती रोज निकला है, यानी कि 11 अगस्त को, तो हमसे बाद में निकला है तो क्या हमसे पहले पहुंच जाएगा? जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि रशिया हमसे पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोग पृथ्वी और चांद के ग्रेविटेशनल पुल का उपयोग करके
बहुत ही स्लो गति से चांद पर जा रहे हैं, जिसमें हमारा खर्चा भी कम आए और हमारे पास वन शॉट में जाने के बेहतरीन रॉकेट्स भी नहीं थे। इसको मैंने हमारे चांद वाले पिछले वीडियो में ही स्पष्ट कर दिया था। जबकि रशिया और अमेरिका के पास एक ही शॉट में जाने के रॉकेट्स है। मैंने पहले ही बोला ना कि रशिया ने ल्यूना 24 यानी कि अपना आखिरी ल्यूना मिशन साल 1976 में भेज दिया था। तब से उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो सोचिए आज वो ल्यूना 25 कितनी आसानी से और कितनी स्पीडी चांद पर भेज सकते हैं, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अब हम जब चांद के साउथ पोल में पानी की खोज के लिए निकले हैं, तो रशिया को भी लगता है कि शायद वहां हमें इंडिया से पहले और इंडिया से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ मिल जाए। इसलिए हम लोग तो चांद पर 14 दिन के अभियान के लिए जा रहे हैं, जहां 14 दिन तक चांद पर हमारा लूनर मिशन वहां के खड़कों की, वहां के पत्थरों की, वहां की सतह की खोजबीन करेगा। लेकिन रशिया का ल्यूना 25 मिशन तो एक साल के लिए जा रहा है, और वो ना सिर्फ चांद के साउथ पोल के सतह पर लेकिन ड्रिलिंग करके उसकी भूगर्भ में भी खोजबीन करेगा। अब दोस्तों आपको ये लग सकता है कि रशिया जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तभी ये सब क्यों कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कह सकते हैं कि हर देश को दूसरे देश से आगे आने की होड़ मची रहती है, और ये इसका पार्ट है। हाँ, ऐसा नकारा नहीं जा सकता इस बात से। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया सिर्फ इसी वजह से लूना 25 को भेज रहा है। एक्चुअली ये मिशन उन्होंने बहुत पहले ही प्लान कर दिया था, और इस मिशन में तो ये लोग ना सिर्फ अकेले जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को भी पूछा था, उन्होंने जापान को भी पूछा था, उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी को भी पूछा था, लेकिन सब लोग ने मना कर दिया था, क्योंकि सभी स्पेस एजेंसियां जैसे हमारे इसरो है वो खुद ही अपना काम करना चाहती थी, और इसलिए रशियंस को ल्यूना 25 मिशन अकेले करना पड़ा। और वो अब बैड टाइमिंग कह सकते हो, लेकिन वो अब इसे लॉन्च कर रहे हैं, या यू कहें कि लॉन्च हो गया। अब दोस्तों इसके बाद बात करें तो रशियन यान चांद पर कब पहुंचेगा, तो वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ल्यूना 25 को वॉस कॉस्मोस के एक मथक वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। ये वॉस कॉस्मोस यानी कि रशिया की स्पेस एजेंसी जैसे हमारी इसरो है। अब दोस्तों ये ल्यूना 25 अंतरिक्ष यान करीब 4 से 5 दिनों में ही चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, और ल्यूना 25 भी वहां पर कुछ दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, और उसके बाद 21 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों वो 21 को पहुंच रहे हैं, हम 23 को, देखते हैं क्या होता है। कुछ दिन पहले तक ये कहा जाता था कि रॉसकॉस्मोस का लूना 25 और इसरो का चंद्रयान 3 एक ही दिन यानी कि 23 अगस्त को ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, लेकिन जैसे कोई रेस लगी हो ऐसे शायद रशिया इसमें पहला आना चाहता है, इसलिए वो हमसे 2 दिन पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। सो वेल दोस्तों, अब 21 तारीख और 23 तारीख इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इन दोनों से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है हमारे लिए वो है 15 अगस्त। तो दोस्तों आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। जुड़े रहे द नॉलेज के साथ लेटेस्ट साइंटिफिक अपडेट्स के लिए, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी कुछ इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।